बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा तटीय इलाकों में ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला एवं स्थानीय प्रशासन लगातार नर्मदा तटीय क्षेत्रों में निगाहें जमाए हुए हैं और समय समय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर एवं SP मयंक अवस्थी नाव पर सवार होकर नीलकंठ पहुंचे और नर्मदा का जलस्तर देख सावधानियां बरतने को लेकर ग्रामीणों को समझाइश दी है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। सवा डैम के गेट कल खोले गए थे, धीरे धीरे उनके गेट अब बंद हो रहे हैं। बरकी का डैम का गेट कल दोपहर 3 बजे खोला गया था, तो उसका पानी अब हमारे क्षेत्र में कुछ घंटों में आने की संभावना है। लेकिन इस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग कराई है कि जब तक बरगी का पानी पहुंचे तब तक तवा का जो गेट है वो बंद हो जाए, तो उसके पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अभी जो जलस्तर देख रहे हैं, प्रयास यही है कि इससे ऊपर जलस्तर ना जाए। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से जो नर्मदा किनारे गांव हैं और उनमें जो बस्तियां हैं, उनके लोगों को हम वहां से बाहर निकालने के लिए समझाइश दे रहे हैं। कुछ 3-4 गाँव जिनके पुल पुलियों के ऊपर पानी गुजर गया है, वहाँ हमने नाव की व्यवस्था करी है ताकि लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सके। उनके आश्रय स्थल पर पर्याप्त रहने की, खाने की, लाइट वगैरह सबकी व्यवस्था कर दी है। आज रात भर हम वॉच करेंगे, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, लोगों को अगर अपने घरों से गांव से निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी जगह टीमें तैनात हैं। SDRF की भी टीमें तैनात हैं, रेवेन्यू और पुलिस की भी टीमें तैनात हैं, तो हम उनको तत्काल वहाँ से निकाल सकेंगे।